यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 16 नवंबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1821 ईस्वी में आज ही के दिन मैक्सिको को स्वतंत्रता मिली थी। 1846 ईस्वी में आज ही के दिन उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म हुआ था। 1849 ईस्वी में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फियोदोर दोस्तोविस्की को एक भूमिगत संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। 1914 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका में फेडरल रिजर्व व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। 1930 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन का जन्म हुआ था। 1938 में आज ही के दिन अल्बर्ट हॉफमैन का आविष्कार लाइरसेजिक एसिड डाइथलामाइड ड्रग वजूद में आया था। 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 1961 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी युद्ध सैनिकों को प्रतिबद्ध किए बिना दक्षिण वियतनाम को सैन्य सहायता बढ़ाने का फैसला लिया था। सन 1965 में आज ही के दिन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा हुई थी। 1973 में आज ही के दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म हुआ था। 1973 में आज ही के दिन स्काईलैब 4 को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। 1983 में आज ही के दिन कपिल देव ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ 83 रन देकर 9 विकेट लिए थे, लेकिन फिर भी भारत की हार हुई थी। 1988 में आज ही के दिन बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में 11 वर्षों में हुआ पहला आम चुनाव जीता था। 1995 में आज ही के दिन भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद एवं टोबेगो के प्रधानमंत्री बने थे। 2001 में आज ही के दिन अफगानिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र के 21 सदस्य दल में भारत शामिल हुआ था। 2008 में आज ही के दिन चंद्रयान के लूनर लेजर रेजिंग उपकरण ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया था। 2013 में आज ही के दिन मुंबई में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। 40 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी थे, क्योंकि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया गया था। 2014 में आज ही के दिन इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। 2019 में आज ही के दिन श्रीलंका का जो राष्ट्रपति चुनाव पूर्व रक्षा सचिव गोतबया राजपक्षे द्वारा जीता गया था। 2019 ईस्वी में आज ही के दिन समोआ ने 6 मौतों के बाद सभी स्कूलों को बंद करने वाली खसरा महामारी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की थी। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।